नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। और एमपी तक एक बार फिर दर्शकों के बीच आ गया है मौसम का हाल लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले दो महीने में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मध्य प्रदेश में औसत से 20% अधिक बारिश अब तक दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश की बात करें तो वो हुई है मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में। सबसे कम बारिश देखने को मिली है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। वहीं आपको भी बता दें कि सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है मंडला। वहीं सबसे कम जो है वो बारिश मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई है। वहीं आपको अब बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अपना अनुमान जारी किया है और मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी और बारिश होगी। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दर्शकों को बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट 4 जिलों के लिए जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन, जबलपुर, पन्ना और कटनी, ये वो 4 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया। यहां पर हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है, यानी कि यहां पर वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। बारिश होने की संभावना है, बदलते मौसम और जो मानसून की एक्टिविटी है उसके साथ यहां पर बारिश हो सकती है। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तमाम जल स्रोत भर चुके हैं, जिसके चलते सभी डैम्स के गेट्स भी खुल गए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, जहां पर सरकार प्रशासन जो है वो लगातार सहायता मुहैया करा रहा है। वहीं वो तमाम जगह जहां पर अचानक से बाढ़ आ सकती है वहां पर भी मुआयना करते हुए प्रशासनिक अधिकारी मिल रहे हैं। इसके अलावा NDRF, SDRF की टीम्स को स्टैंडबाय पर रखा गया है। माना जा रहा है कि दोबारा मॉनसून के एक्टिवेट होने के बाद भारी बारिश मध्य प्रदेश में हो सकती है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसान फिलहाल तो बारिश से खुश हैं, लेकिन जिस तरीके से आने वाले वक्त में भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग जारी कर रहा है, ऐसे में किसानों के लिए मुश्किल उत्पन्न हो सकती है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि मध्य भोपाल की बात करें तो यहां पर धूप दिखाई दे सकती है, लेकिन बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। बारिश और बाढ़ से आप लोग को क्या परेशानी हो रही है हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।